सर, सबसे पहले तो आप दोनों के किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। काफ़ी अलग टॉपिक है, तो क्या कहना चाहेंगे मैं लोगों को शो के बारे में? हाँ यार, बहुत अलग टॉपिक है। इट्स अ विडो रीमैरिज एंड अ विडो हु इज़ वेरी यंग, जो बहुत उम्र में बहुत छोटी है। तो मैं तो मुझे कभी भी सुनने में आया नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक टीवी पर छेड़ा गया है। और मेरा जो किरदार है वो एक बहुत ही मस्तीखोर, मज़े करने वाला, लाइफ को एंजॉय करने वाला, दोस्तों के साथ घूमने फिरने वाला, पंगे लेने वाला, कीड़े करने वाला, कांड करने वाला, वो टाइप का कैरेक्टर है। तो ये तो धानी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है उसे तंग करने को, और धानी है बिल्कुल ऑपोजिट, वो आपको यही बताएगी अभी। धानी ऐसी है जो बहुत शांत लड़की है, बहुत सिंपल है, जितना जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, परंपराएं बनाई गई हैं, उनको फॉलो करती है, जितना जो बोल दिया उतना मानना। ये लड़का मेरे पीछे पड़ता है तो मैं जितना इग्नोर हो सकता है उतना करती हूँ, लेकिन जब हद हो जाती है तो अच्छे सुनाती भी हूँ। धानी वैसी लड़की है जो अपने आप में रहती है, ज़्यादा किसी से इंट्रैक्ट नहीं करना, वेरी सिंपल शोबर काइंड ऑफ अ गर्ल। क्या लगता है शो एंटरटेनमेंट के अलावा एक मैसेज भी देगा ऑडियंस को? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो टॉपिक हम लोग हैंडल कर रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक नाजुक टॉपिक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसे बारीकी से हैंडल करें और ढंग से उसे उसकी प्रदर्शन करें। आई थिंक हम बहुत इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इस सिचुएशन का सल्यूशन और उसका पॉजिटिव साइड और उसका एक तरीका दिखाएंगे जिससे औरतें इस सिचुएशन में जो है वो उसमें से उबर सके और एक खुशहाल ज़िंदगी पा सके। आपने अपने किरदार के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी, खास करके आप जो विडो बनी है तो उसके लिए क्या इंस्पिरेशन ली थी आप? मेरा सर खा गई यार। नहीं मैंने प्रिपरेशन ये की थी, मैं कुछ आश्रम गई थी बनारस के, मैंने प्रेम रोग देखी कई बार, मुझे पद्मिनी जी का उसमें कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, काफ़ी अच्छा था, उनकी आँखों में वो पेन दिखता था, आई वॉन्ट दैट। तो मैं आश्रम गई, कुछ लोगों से मिली, उनके एक्सपीरियंस जाने, जितना मुझ में प्राइड में लेवल बेस्ट जितना हो पा रहा था उतना किया। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? ऑडियंस को शो के बारे में, इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस शो। ऐसा शो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, जहाँ मैं इतनी मस्ती कर रहा हूँ, जहाँ लड़की इतनी सीरियस है, और फिर जिस तरीके से प्यार पनपेगा, आय हाय 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 हाय।